जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि गणेश जी के दिनों में जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप सभी उन उपाय को ज़रूर कर रहे होंगे और उनका चमत्कारी फल भी आप लोगों को ज़रूर मिल रहा होगा। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ राधा अष्टमी को लेकर। राधा अष्टमी 4 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी पर जो राधा कृष्ण के भक्त हैं वो व्रत रखते हैं, वृंदावन जाते हैं, राधा कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन जो लोग जा नहीं सकते या घर में भजन कीर्तन भी नहीं कर सकते हैं, आप सभी के लिए मैं एक छोटी सी पूजा लेकर आई हूँ जो आप आज के दिन कर कर अपने जीवन में बदलाव ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों ने करनी है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आइए बताती हूँ बिना आपका वक्त ज़ाया करें। सबसे पहले आपको लेना है कलावा, जिसमें कि लाल रंग और पीला रंग दोनों ही रंग हो। कलावा आपने देखा होगा, हम हर पूजा में कलावा पंडित जी हमारे हाथ पर बांधते हैं, वैसा कलावा लेना है आपको। इसमें आपको 8 गांठे लगाने हैं। और ये उपाय खास तौर से वो लोग ज़रूर करिए जिनकी शादी होने में परेशानी आ रही है, या फिर जो लोग अपने मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसा जीवन साथी उन्होंने सोचा है उनको वैसा ही जीवन साथी मिले, तो आज का दिन आप सभी लोगों के लिए है। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में भी आपके कलह कलेश बना हुआ है तो आज एक ये छोटा सा उपाय करके तो देखिए चमत्कार। मैं नहीं, आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि इस छोटे से उपाय ने आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल के रख दी है। करना क्या है आपको, कलावा लेना है, उसमें 8 गांठे लगानी है। 8 गांठे लगाने के बाद फिर आपको हल्दी का पेस्ट बनाना है। सूखी हल्दी, पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसमें गंगा जल मिला लेना है और फिर उसका पेस्ट बनाकर आपने कलावे के ऊपर प्रॉपरली वो लगा देना है। लगाने के बाद में राधा कृष्ण जी के चरणों में आपने ये धागा रख देना है। उसके बाद आपको 108 बार ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः का जाप करना है। इस मंत्र जाप के बाद में ये धागा आप वहीं रखे रहने दीजिए। ये पूरा प्रोसेस आपको सुबह करना है राधा अष्टमी पर। इसके बाद शाम को जब आप फिर से स्नान कर कर बैठेंगे, फिर से आपने 108 बार ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि दीपक जलाना है कि नहीं, तो जैसे आप नॉर्मल पूजा अपनी करते हैं, पूजा करने बैठते हैं, वैसे ही पहले दीपक जला लीजिए, धूप अगरबत्ती जो जलाना है वो जला लीजिए। और साथ ही में आप फिर इस धागे को बना करके राधा कृष्ण जी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद 108 बार मंत्र का जाप करके ये वहीं रखा रहेगा और शाम के समय फिर से आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में फिर से 108 बार आपने इसी मंत्र का जाप करना है और जाप करने के बाद में आपने इस कलावे को गंगा जल से डुबो कर अच्छे से धो लेना है। धोने के पश्चात आपने ये जो कटोरी में या जिस भी पात्र में आप कलावा डुबोकर धोएंगे तो वो हल्दी का पानी उसमें आ जाएगा। उसके बाद आपने उस कलावे को अच्छे से किसी सूखे कपड़े से या टिश्यू से पोंछ लेना है और उसके बाद जो समय मैं आपको बता रही हूँ इसी समय पर आपको धागा बांधना है। तो समय है आप 4 सितंबर को रात्रि 10:30 बजे से लेकर के मीन्स 10:30 PM ऑनवर्ड्स टिल 11:35 PM, ये वो पीरियड है कि आपने धागा अपने हाथों पर बांध लेना है। जो लड़के हैं वो अपने सीधे हाथ पे बांधेंगे और जो लड़कियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो भी अपने सीधे हाथ पे बांधेंगी, लेकिन जिनकी शादी हो गई है ना वो अपने उल्टे हाथ में इस धागे को बांध लेंगी। इसके पश्चात वो जो जल है, जो हल्दी वाला जल जो आपने धोया है, इसको आपने अगले दिन अपने नहाने वाले पानी में इस्तेमाल कर लेना है। बहुत छोटी सी पूजा है। जब शाम को आप धागा बांधेंगे तो आप 11 रुपये 51 रुपये कुछ भी आप संकल्प लेकर रखिएगा, जो भी आपकी परेशानी है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही तो एक दूसरे का नाम लेकर, और जो भी आपको अपना मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो वो सोचकर आप ये अपने राइट हैंड में रखकर और मन में आपकी जो भी विश है वो मांग करके ये पैसे आपने राधा कृष्ण जी के चरणों में समर्पण कर देने हैं। वहाँ रखने के बाद में जब आप धागा बांध लेंगी अपना,
उसके बाद अगले दिन आपने उसी जल से स्नान करना है, और स्नान करने के बाद में जो पैसे आपने राधा कृष्ण जी के चरणों में रखे हैं वो ले जा करके आप किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जा करके, आपने देखा ना गुप्त दान वाले जो पात्र बने होते हैं उनमें चुपचाप से ले जा करके डाल दीजिए। ये धागा आपने 90 दिन तक अपने हाथों पर बांध कर रखना है, यानी कि मैं कहूँगी एटलीस्ट आपको 3 महीने तो इस धागे को ज़रूर बांधना है, और इन 3 महीनों में आप अपने रिश्तों में इतना अच्छा सुधार देखेंगे कि अगर किसी का रिश्ता इतना ख़राब हो गया है कि शादी में दिक्कत है, डिवोर्स की स्थिति बन गई है, तो आज एक ये छोटा सा बताया हुआ उपाय आप करके देखिए, इसका चमत्कार आप खुद बताएंगे और खुद आप लोगों को भी कहेंगे कि मैंने एक छोटा सा उपाय किया था और उससे मुझे इतना बड़ा परिणाम मिला है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नई नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहे, और साथ ही में जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप ही के जैसे जो बाकी लोग हैं वीडियोस देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ इनका भला हुआ है तो मेरा भी भला ज़रूर होगा। तो आप लोग कुछ नहीं तो माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी।